चैनल में। तो गाइस आज मैं आपको लेके आई हूँ मोहाली खरड़ के अंदर प्रोजेक्ट दिखाने जो बिल्कुल ही गेटेड सोसाइटी के अंदर है। जैसे आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट हाउसेस के कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल ही रेडी टू मूव है गाइस। और आगे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और अभी मैं आपको ये वाला अपना सैंपल विला दिखाने जा रही हूँ जो काफ़ी शानदार सा बना है। आप फ्रंट एलिवेशन एक बार इसका देखिए। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो 20x45 का आपका इसका साइज रहेगा, 100 गज में बना है। और जो प्राइस है वो मैं आपको एंड में जाके रिवील करती हूँ। तो आए फिर इसी के साथ ही ये देख सकते हैं ये आपका मेन गेट आ जाता है। मेन गेट से अंदर एंटर करते ही इससे कोई आ जाता है आपका बड़ा सा एक स्पेशियस सा पार्किंग एरिया। यहाँ पे आप इजीली अपना 4-व्हीलर जो है पार्क कर सकते हैं। प्रॉपर लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल रही है। और इससे तो देखिए तो यहाँ पे आपको 2-व्हीलर पार्किंग के लिए थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप इजीली अपना मोटर बाइक्स एक्टिवा आप रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। प्रॉपर्स आपको यहाँ पे देखिए तो स्विचेस लाइट ऑन ऑफ करने की। और यह आ जाता है आपका मेन डोर जो कि डबल डोर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इस घर पे आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है गाइस। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका सेकंड डोर। तो इसी के साथ ही हम एंटर कर दिया है अपना लिविंग एरिया। ये आपका लिविंग एरिया है। जो फर्नीचर आप बीच में देख रहे हैं ये बीच में नहीं है। और इसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपको सेम एज इट इज ऐसे ही चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। स्पेस देखिए एक बार, काफी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। एल शेप में आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है। और ऊपर की तरफ को देखिए तो बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे डाउन सीलिंग का डिजाइन दिया है गाइस। और फैन वगैरह आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। वॉल पे देखिए तो वॉल पेपर का आपको यहाँ पे डिजाइन मिलेगा जो काफी अच्छा लगता है। लिविंग एरिया आपके बिल्कुल ही फ्रंट में आपका आ जाता है। LCD पैनल बहुत ही अच्छे और वाइड लुक में आपको ये मिल रहा है। इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। यह आ जाता है आपका मॉड्यूलर किचन जहाँ पे आप अपना खाना वगैरह कर सकते हैं। कवर्स आपको सेम रहेंगे ऊपर जैसे आप देख रहे हैं सेम एज इट इज। अगर आपको ये सैंपल पसंद आ रहा है आप जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है उसमें भी आप सेम ऐसे ही वर्क करवा सकते हैं। तो ये था हमारा किचन। इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम और 10x12 की साइज रहेगी जिसमें 6x6 का बेड लगा है। बेड बीच में नहीं है। मैक्सिमम मुझे बोलते कि फर्नीचर आप बीच में दे रहे हैं लगाते क्यों हैं। लगाते हम इसलिए है बिकॉज आपको साइज का थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि कितना स्पेस रहता है। ये देख सकते हैं यहाँ से मैं इजिली मूव हो सकती हूँ। अगर यहाँ पे 2x2 का आप टेबल भी लगाते हैं तो इजिली आप उसको रख सकते हैं। इस साइड को देखिए तो ये आपके आ जाते हैं कबर्ड्स। ये स्लाइडिंग डोर्स रहेंगे आपके। ऊपर से देखे तो डाउन सीलिंग विद लाइट्स। और इसी के साथ ही आपका आ जाता है LCD पैनल। AC के लिए बीच में हमने आपको यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है। और इसी के साथ ही आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम काफी वाइड है। जो भी आप एसेसरीज बीच में देख रहे हैं ये बीच में ही इंक्लूड है। सेम एज इट इज आपको इसी तरह से मिल रहा है। तो अब चलते हैं हम अपने वॉशिंग एरिया की तरफ। वॉशिंग एरिया काफी स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन्वर्टर लगाना चाहें और बाहरी हमने यहाँ पे गीजर के लिए प्रोविजन आपको दे रखा है। ऊपर की तरफ को देखिए तो प्रॉपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल रही है। और इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ जो कि हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। और आप आके हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। आपकी डायरेक्टली दो या हमारे साथ बीच में किसी को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने पे नहीं करना है। ये देखिए ये हमारा रहेगा सेकंड बेडरूम। सेम एज इट इज इसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं। और कबर्ड्स, LCD पैनल हो गया, डाउन सीलिंग हो गया, ये सारी चीजें बीच में ही इंक्लूड है। यह आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम देख सकते हैं आप एक बार। सेम एसेसरीज वही है जैसे आपने पहले वाले में देखी थी। और अगर आप यहाँ पे इस घर को परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको खुद भी रहना है बहुत ही अच्छी रेंटल इनकम आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। हर महीने जो आपको किराया आएगा अगर आपने ऊपर वाला फ्लोर आपने अगर रेंट पे देना है तो उसका आ जाएगा आपका 10-13 के आसपास। और ग्राउंड फ्लोर का आपका 20-22 हजार। बाहर से हमने स्टेयर्स दे रखी है। इन फ्यूचर कभी आपने शिफ्ट होना हो नीचे तो सेपरेट आपकी स्टेयर्स है। ऊपर वाला फ्लोर आप इजिली रेंट पे जा सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की हम यहाँ पे रेलिंग प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ ही आ जाती है आपकी वाइड बालकनी। नियर बाय आप देखिए तो सामने की तरफ को भी आपको इंडिपेंडेंट हाउसेस देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ही इससे को देखिए तो प्रॉपर हमने लाइट्स का वर्क किया है। वो चाहे अंदर की बात हो चाहे बाहर की बात हो सारी जगह आपको लाइट्स मिलती रहेगी।
आ जाता है आपका फर्स्ट फ्लोर का डोर। इसी के साथ ही अंदर की तरफ को एंटर करते हुए ये आ जाता है आपका किचन एरिया। किचन आपको सेम जैसे ही जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क रहेगा प्लस माइनस का पीओपी में, बाकी सेम है। इसी के साथ हम पहुंचे अपने बेडरूम में, याद आता है आपका बेडरूम। बेडरूम भी आप देख सकते हैं एक बार, वॉल पे आपका वॉलपेपर, ऊपर की तरफ को आपको पीओपी का डिजाइन, और इससे को देखे तो आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिल रहे हैं गाइस, ये आपके कबर्ड्स विद ड्रेसिंग एरिया रहेगा। इसी के साथ ही हमने क्या करा है, हॉल और बेडरूम का आपको कॉमन वॉशरूम दे रखा है। या जाता है आपका हॉल और बेडरूम का कॉमन वॉशरूम, इस साइड को आते हैं, या जाता है आपका ओपन एरिया। ये ओपन एरिया है, आप आने वाले टाइम में यहाँ पर इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाहर से स्टेयर्स हैं, ऊपर रूफ पे आप इजीली जा सकते हैं और अपनी टंकियाँ वगैरह चढ़ा सकते हैं। और इसका जो प्राइस रहेगा वो 6490 है, नेगोशिएबल है रेट, आपकी डायरेक्ट डील हो रही है हमारे साथ, आपको बीच में किसी को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। आप हमारी साइट विजिट करें और नियर बाय काफ़ी अच्छी लोकेशन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड सी यू।